आप सभी को मेरे नमस्ते। तो देखिए, एनटी के द्वारा 18 अगस्त को एक नोटिस जारी किया गया है सीयूईटी यूजी के रिगार्डिंग, जो हमारा फेज़ 5 होने वाला है, यानी 21, 22 और 23 तारीख को जिनका सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके एडमिट कार्ड आज यानी 18 अगस्त से जो है रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो जिनका फेज़ 5 एग्जामिनेशन हो रहा है, वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर जो भी सेंटर और चीज़ें मेंशन है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। जिन लोगों का एग्ज़ाम 7, 8 और 10 अगस्त को जो है कैंसिल हो गया था कुछ टेक्निकल कारण के कारण या फिर पोस्टपोन हो गया था, तो उनका एग्जामिनेशन जो है 21 से 23 के बीच में करवाया जा रहा था। उनकी डेट पहले से दिखने लग गई थी कि भैया आपका 22 से होगा, आपका 23 से होगा। तो ये फेज़ 5 जो है 7, 8, 10 तारीख को जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उनके लिए कंडक्ट करवाया जा रहा है। 21, 22 और 23 तारीख को होगा, इसके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में रह जाएगा फेज़ 6, जिसके अंदर जितने भी अभी तक कैंसिल हुए हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, टेक्निकल चीज़ों के कारण रुके हैं, वो सभी चीज़ें आपकी 24 से 30 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा इस नोटिस में एक और चीज़ ये बताई गई है, पहला तो कि फेज़ 5 के एडमिट कार्ड हो रहे हैं और 2,00,000 कैंडिडेट जो है फेज़ 5 में अपीयर होंगे, ये तो ठीक है। इसके बाद में ये बताया जा रहा है कि फेज़ 6 24 से 30 अगस्त के बीच में होगा और इससे पहले के जितने भी फेज़ हैं उसके अंदर किसी टेक्निकल रीज़न के कारण या फिर सेंटर कैंसिल होने के कारण जिनका एग्ज़ाम छूट गया था उनका फेज़ 6 में होगा और उनके एडमिट कार्ड भी जो है 20 तारीख के बाद देखने को मिल जाएंगे। और अब यहाँ पे एनटीए बता रहा है कि एनटीए को बहुत सारे ईमेल आए हैं कुछ स्पेसिफिकली चीज़ों से रिलेटेड, जैसे सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर, जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन पेपर और संस्कृत का क्वेश्चन पेपर, इनके बीच में कुछ दिक्कतें देखने को मिली है। जैसे हमारे सामने जो चीज़ आई है, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था बंदे का और उनको जो है साइकोलॉजी के पेपर देखने को मिल रहा था, उस साइकोलॉजी के क्वेश्चन। तो ये सभी ग्रीवांस जो है, ये सभी शिकायतें एनटीए के पास पहुंची है और एनटीए यहां पे कह रहा है कि हम इन चीज़ों को जो है केस टू केस, मतलब वन बाय वन देख रहे हैं, चेक कर रही हैं जो भी ग्रीवेंसीज आई है उनके एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से। तो जो भी चीज़ सही पाई जाएगी, द रिक्वेस्ट इफ़ फाउंड फिजिबल, जो भी जायज होगा फेज़ 6 में जो है उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये एक उम्मीद हो सकती है जिनके पहले जो है सोशियोलॉजी का कैंसिल हो गया या फिर जिनका टेक्निकल चीज़ों की वजह से रुक गया था, क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे, अगर उन्होंने ग्रीवांस डाली है तो हो सकता है उनको जो है कंसीडर किया जाए, ठीक है। और cuetgrievance@nta.ac.in ये ईमेल है जहाँ पर आपको अपना जो है शिकायत भेज सकते हैं कि आपको ये दिक्कत हुई थी, आपका इस फेज़ में था और जो भी दिक्कत है आपको, वो यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं एनटीए को, ठीक है। तो यही अपडेट था। और फेज़ 5 के बाद फेज़ 6 है, 24 से 30 अगस्त चलेगा। 24 से 30 अगस्त के बीच में 4, 5, 6 को जिनका पोस्टपोन या कैंसिल हुआ था वो एग्ज़ाम होंगे। बाद में अगर किसी का डेट आगे बढ़ाई थी या कुछ टेक्निकल चीज़ों के कारण, तो उन सभी का भी फेज़ 6 में होगा। तो होप करते हैं कि 30 अगस्त जो लास्ट डेट दी है एनटीए ने, तब तक जो है एनटीए का सीयूईटी यूजी एंड हो जाए, सभी के पेपर हो जाए, ठीक है। तो बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।